जेएसपीएल और टाटा ग्रुप को कैप्टिव कोल ब्लॉक लौटाने होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, आईएमजी ने ब्लॉक वापस लेने की सिफारिश की है। कोयला मंत्री आखिरी फैसला लेंगे। नोएडा के चर्चित आरुषि हेमराज हत्याकांड में बहस पूरी हो गई है। 25 नवंबर को गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट इस केस में फैसला सुनाएगा। मई 2008 में आरुषि की हत्या हुई थी। आरुषि के माता पिता पर हत्या का आरोप है। अब संगीन मामलों पर तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर से पहले शुरुआती जांच जरूरी नहीं होगी और जो पुलिसकर्मी तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नोएडा फार्म हाउस घोटाले में मायावती को क्लीन चिट मिल गई है। लोकायुक्त ने जांच रिपोर्ट में कहा है कि घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2010 के बीच आवंटन पूरी तरह सही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा के पटेलपारा में नक्सलियों ने ब्लास्टर एक पुल को उड़ा दिया है। इस धमाके में बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए जबकि एक ड्राइवर की मौत हुई है, एक डॉक्टर भी घायल है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है। 16 लाख कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कई जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ा है। केंद्र के समान भत्तों की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। कभी कभार एक तथ्य सदियों से चली आ रही आस्था पर सवाल खड़े कर देता है, उस विश्वास पर चोट पहुंचा देता है जिससे लाखों लोग जुड़े होते हैं। एक ऐसा ही तथ्य सामने आया है दुनिया भर में भगवान बुद्ध के लाखों अनुयायियों के सामने। सूचना के अधिकार के तहत मिली यह जानकारी उस विश्वास पर सवाल खड़े कर रही है जिसके आधार पर सदियों से एक परंपरा चली आ रही है। सवाल भगवान बुद्ध की अस्थियों से जुड़ा है। सवाल ये कि आखिर भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं कहां? क्या वो सदियों पहले गंगा में प्रवाहित कर दी गईं या फिर आज भी अपने अनुयायियों के बीच बौद्ध मठों में सुरक्षित मौजूद हैं? भगवान बुद्ध की अस्थियां आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रही हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की अस्थियां उनके भक्तों के सामने दर्शन के लिए लाई जाती हैं। लेकिन क्या बौद्ध मठों में रखी गई अस्थियां भगवान बुद्ध की ही अस्थियां हैं? ये सवाल आस्था से इतर प्रमाण की गवाही मांग रहा है। ये सारनाथ की पहचान है। ये इस बात की बुनियाद भी है कि कभी यहाँ बौद्ध दर्शन की बुलंदियाँ थी। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहीं दिया था। बाद में सम्राट अशोक ने यहाँ कई निर्माण करवाए और धीरे धीरे ये जगह बौद्ध धर्म के लिए बेहद खास हो गई। वक्त बदला तो यहाँ की तस्वीर भी बदली, लेकिन पहचान वही रही। आज भी इस जगह की पहचान बौद्ध धर्म के चार तीर्थों में से एक की है। लेकिन अब इतिहास के एक पन्ने ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। इतिहास के इस पन्ने ने अब तक के तमाम बौद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों को ललकार दिया है। एक पत्थर की पेटी मिली और उसके अंदर एक मंजूषा थी, उसके अंदर कुछ राख, कुछ जली हुई हड्डियां, सोने चांदी के कुछ आभूषण, मोती और भी कुछ थोड़ी सेमी प्रेशस और प्रेशस स्टोन्स मिले थे। तो उनको देखने के बाद उन्होंने जो सामग्री उसमें से मिली थी पेटिका में से वो तो गंगा में बहा दी गई और पत्थर की जो पेटी थी
वो इंडियन म्यूजियम कोलकाता को दे दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आस्था के इस महान केंद्र की इतनी बड़ी सच्चाई पर अब तक पर्दा क्यों टंगा रहा? क्या इस बात को बताने के लिए सूचना का अधिकार कानून का इंतजार किया जा रहा था? और सवाल ये भी है कि जिन्हें बुद्ध की अस्थियां मानकर लोग पूज रहे हैं, वो क्या किसी और की अस्थियां हैं? ज्यादा से ज्यादा जो बुद्ध की अस्थि है, बोन्स, जिसको बोन रिलिक्स कहते हैं, अस्थि, और उसमें भी अलग अलग है, लेकिन अभी भारत में हमको लगता है जो अस्थि कलश तथागत बुद्ध की ज्यादा से ज्यादा बोन हड्डियां जो है बुद्ध की इसी अस्थि देखने मिले। वो केवल बुद्ध की हड्डियां हैं, वो कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़ा में है, तो यही दिखाया जाता है। सचमुच आसान नहीं होता बुद्ध होना, लेकिन क्या बौद्ध इतिहास के कुछ साक्ष्य भी बदलने वाले हैं? अमित सिंह, जी मीडिया, वाराणसी। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ आचार्य अशोक द्विवेदी जी हैं, अध्यक्ष हैं वेद पारायण केंद्रम वाराणसी के। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे, कि एक तो इतिहास का वो तथ्य है, सत्य है, जिसको किताबों में दर्ज किया गया है, उसके अपनी तरह से व्याख्याएं की गई हैं, और एक सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जो जानकारी का सच है वो है। किस तरीके से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं या उनके चाहने वाले हैं, उसमें आस्था रखने वाले हैं, जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब तलाशें। देखिए, मैं अपने श्रोतागणों से कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध के अनुयायी पूरे संसार में हैं, और भगवान बुद्ध के प्रति उनका आस्था विश्वास बिल्कुल निरंतर है। और सूचना के तहत के अधिकार में जब उन्हें यह प्राप्त हुआ कि महाराजा चेत सिंह के जो भी सचिव थे उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर लिया, ये सूचना के अधिकार के तहत आपको प्राप्त हुआ। लेकिन भारत या भारत के बाहर के जितने भक्त हैं, उनको वो उसी अस्थि पर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं जो वर्तमान में है। लेकिन बहुत एक संकट का विषय है कि भगवान बुद्ध लगभग 80 वर्ष इस भारत भूमि पर रहे, और ईसा पूर्व 563 में उनका यहां प्रादुर्भाव जन्म होता है भगवान बुद्ध का। उनका तिरोधान 483 ईसा पूर्व उनका तिरोधान होता है। क्या इतने वर्ष पूर्व का उनका जो अस्थि है उसको अनवरत अक्षुण्ण या रखने की शैली, या अभी तक वह अस्थि किस उस धरोहर को, उस भगवान के बुद्ध के अंश को, उसको कैसे रखा गया, एक प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों ने कह दिया कि ये भगवान बुद्ध का अस्थि है और उस पर आज करोड़ों व्यक्ति आस्था रखते हैं। ये तथ्य और सत्य, सत्य है कि भगवान बुद्ध है, सत्य है कि उनका अस्थि था, अब विसर्जित है तो वर्तमान अस्थि फिर वो तथ्य सत्य। आचार्य, एक ये मान्यता चली ना, महात्मा बुद्ध हुए, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद ये माना गया, उनके जो अनुयायी थे उन्होंने ये माना कि महात्मा बुद्ध का ये कहना था कि उनकी अस्थियों को जो उनसे जुड़ी जगह हैं वहां पर जगह जगह पर रख दिया जाए, और उसके उसी से उनकी आस्था जुड़ी रहेगी, इस तरीके की बात की। हो सकता है कि उस समय रखी गई हो। अशोक ने जब कहते हैं कि बहुत सारा जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया तो उस समय पे उन्होंने काफी कुछ स्तूप बनवाए, उनके जो मठ हैं उसको और ज्यादा बेहतर करवाया, तो हो सकता है कि उस समय पे ये मान्यता वहां से चली आ रही हो, लेकिन इस समय का जो सच है उसको किस तरीके से लोग एब्जॉर्व करें या उसको अपने अंदर समाहित करें कि हाँ, ये जो कहा जा रहा है मान्यता अपनी जगह है और जो सत्य है उसको भी हमें स्वीकार करना होगा। उसमें देखिए, ये कहना चाहूंगा कि एक प्रश्न तो खड़ा हो गया कि सूचना अधिकार के तहत जो हमें सूचना मिली है उसके हिसाब से अस्थि गंगा में विसर्जित हो चुकी है, यानी वर्तमान में कहीं पर भी उनका कोई अस्थि नहीं है। आस्था और परंपरा को देखते हैं तो जो रखी गई वहां पर है कि उन्हीं की अस्थि है, तो भक्तों का विश्वास तो वैसा होता है जैसे कि मां ने कहा कि ये बेटा तेरे पिताजी है। पिता, कोई कोई पिता स्वयं प्रामाणिक नहीं कर सकता कि मैं आपका पिता हूं,
लेकिन उनके अनुयायी ने कहा कि भगवान बुद्ध की अस्थि है और आज भक्तगण उनकी कार्तिक पूर्णिमा को दर्शन करते हैं। लेकिन समस्या इस बात की सूचना अधिकार या तो अपने को सुधारे, सूचना अधिकार अपने तथ्य का अन्वेषण करें, सूचना अधिकार और गहराई में जाए, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों की आस्था पर एक चोट लगेगा कि यदि भगवान बुद्ध की अस्थि विसर्जन हो चुकी है और अभी तक जो हम दर्शन करा रहे हैं, एक सत्य होगा एक छद्म होगा, और छद्म और सत्य दोनों को समझने के लिए बिल्कुल इसका अनुसंधान रिसर्च होना चाहिए। और दूसरी बात कहना चाहूंगा, क्या बौद्ध धर्म में सनातन धर्म की पद्धति थी? यह सनातनी हिंदू के देहावसान के बाद जो अस्थि श्राद्ध कर्म समुच्चय में जो अस्थि विसर्जन की पद्धति है, जो अस्थि पूजा की पद्धति है, अस्थि दर्शन की पद्धति, जैसे महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति दिवंगत हो गया, उनको क्या करते हैं कि 11वें दिन उनको पंचगव्य से उनको प्रक्षालन करके और उनको अच्छे से कपड़े बांध करके देवता मंदिर के बगल में रख देते हैं कि जब हम काशी जाएंगे तो हम अपने पिता पूर्वजों को जाके गंगा में छोड़ेंगे। तमाम ऐसी है। उसके बाद उस अस्थि को जो है देवतुल्य मान करके काशी आते हैं, गंगा में डालते हैं। क्या बुद्ध धर्म में सनातन पद्धति और अस्थि की पद्धति बनाना और गंगा पर प्रवाहित या अस्थि को रखना, दर्शन कराना, क्या बुद्ध धर्म में सनातनी पद्धति का उसमें अंश हमें मिल रहा है? ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो अब तक एक मान्यता चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही है, इस तरीके की जब बातें सामने आती हैं, जो फैक्ट्स हैं वो सामने आते हैं, तो क्या वाकई आस्था डोलती है या फिर अपनी तरह से और ज्यादा मजबूत होकर निकलती है? एक ब्रेक के बाद। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप, अब त्वचा को गुनगुनाने दो। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई, ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वेट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प, आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। गाते हैं सफेद की का बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि त्वचा को सर्दी की नजर न लगे। बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ बोरो प्लस फेस वॉश फ्री। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार, ओ पढ़ाई वाली जोड़ी।
लड़ाई वाली जोड़ी, देखी सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोज अप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या ले रहा दिल है तो जोश है, बाग बाग दिल बाग बाग दिल बाग बाग दिल बाग दिल बाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सारनाथ में जिस तरह से महात्मा बुद्ध की अस्थियों को विसर्जित करने का सच सूचना के अधिकार के तहत सामने आया है, उसके बाद क्या वाकई आस्था डोल गई है। आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, वो भक्त भी समझना चाहेंगे जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं, कि क्या वाकई ऐसे मसलों पर आस्था डोलती है या पहले से ज्यादा मजबूत होकर के निकलती है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि ये भारत भूमि पे जिसके प्रति विश्वास एक बार जम गया, आस्था आ गई, उसके खिलाफ जितना भी साइंटिफिक प्रूफ हो और चाहे अवैज्ञानिक प्रूफ हो, उसको मानते उनते नहीं है। हम सूचना के अधिकार को भी नहीं मानेंगे। उनके भक्तगण जो है कार्तिक पूर्णिमा को वैसे ही दर्शन करेंगे जैसे दर्शन करते रहे, क्योंकि विश्वास जो होता है वो बुद्धि के परे का विषय है। क्योंकि विश्वास हमेशा आत्मविश्वास होता है और मन की विश्वास होती है, और बुद्धि हमें हिला नहीं पाती, हिलोरे मारती रहती है कि ये गलत है, ये सच है, ये सच है, ये गलत है। ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जो असत्य है, लेकिन उस परंपरा को देवतुल्य आज भी माना जाता है। हम लाख कोशिश करें ये कह करके कि भगवान बुद्ध की अस्थि अब विसर्जित हो चुकी है, ये बिल्कुल दूसरी है, इसको मत करिए, लेकिन नहीं, विश्वासी भक्तों के दिमाग में जू नहीं रेंगेगा। हम समझते हैं कि विश्वास पर हमारा ज्ञान जितना भी प्रहार करे, लेकिन ज्ञान का तलवार टूट जाता है, विश्वास की परंपरा नहीं टूटती। ठीक है आचार्य जी, तो ये जिस तरीके की, जैसे हिंदू है, हिंदुत्व तो है, मुस्लिम धर्म है और बौद्ध धर्म है, तरह तरह के जो धर्म है, इसमें बौद्ध धर्म का जो अब तक परंपरा चली आ रही है, जो परिपाटी चली आ रही है, किसी भी धर्म के जैसे लोग अपने बातों से डिगने को नहीं तैयार होते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि जिस तरह से बौद्ध धर्म की जो परिपाटी अब तक आई है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखिए, भगवान बुद्ध जब धर्म उनका चला है तो कई बार परंपराएं टूटी हैं, कई बार परंपराएं जोड़ी गई हैं, कई बार परंपराएं आई हैं, लेकिन बुद्ध के प्रति आस्था और बुद्ध के उपदेशों के प्रति भक्ति श्रद्धा और बुद्ध एक उदास निर्मल संत का स्वरूप का आज तक वो अविच्छिन्न जो चला रहा है वो टूटा नहीं है। लेकिन बुद्ध की बहुत सी पद्धतियां कम हुई हैं और टूटी भी हैं, और पद्धति फर्क पड़ी है और कई यान बन गए हैं। बुद्ध धर्म में देवता के प्रति श्रद्धा और तंत्र का भी समागम है। मणिपद में हुम जो उनका बीज मंत्र है, मणिपद में हुम, आप क्या समझ रहे हैं कि मणिपद्म और हुम जो बीज मंत्र है, ये उनकी आद्या शक्ति का बहुत बड़ा एक शक्तिशाली मंत्र है जो मणिपद में हुम बोलते हैं। बुद्ध धर्म में जो परंपरा अभी तक चली आ रही है, विभिन्न देशों में कई प्रकार की परंपराएं चली आ रही है, लेकिन उसका जो एक स्रोत है कि सभी परंपराएं बुद्ध के धारा में बह करके एक जगह समाहित हो जाती हैं। ठीक है, यानी बुद्ध ने जो बातें कही वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, अब तक की चर्चा में इतनी बात साफ हुई है। हम एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और जब वापस लौटेंगे तब इस बात को भी समझेंगे कि ठीक है कि इतिहास के पन्नों से कुछ भी सच्चाई निकलकर सामने आ रही हो, लेकिन जो बात महात्मा बुद्ध ने कही उसकी प्रासंगिकता ज्यादा है या अस्थि मंजूषा, अस्थि कलश की, एक ब्रेक के बाद। आदमी एक और कपड़े 11 बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्कॉट थर्मल वेयर सिर्फ एक ही काफी है। गुड नाइट एवरीवन एक्टिव प्लस, जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो, दो मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो, हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो।
बाय बाय। हाँ मैं टैक्सी वाला बोल रहा हूँ। हाँ आपका फोन मेरे पास ही है, पैराडाइज होटल पे आके ले जाइए। अपने अंदर के रावण को जलाना एक अच्छा आइडिया है। हैप्पी दिवाली। ऐसा खाना किस किस को पसंद है? पर याद रहे, इस तरह के खाने से कैविटीज हो सकती हैं। कैविटीज, इसलिए आपको चाहिए बेस्ट प्रोटेक्शन, कोलगेट। इससे बेहतर और कुछ नहीं। देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सॉल्यूशन में डालते हैं। अब देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे बेस्ट प्रोटेक्शन। कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, इससे बेहतर और कुछ नहीं। भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। हुँ? और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर, KEI वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। KEI। अरे वाह वेणु, काम लोडर का और खार ट्रैक्टर के। चल चल, ईंटें लोड कर। बड़ा मालिक बना फिरता है। चौधरी आज वेणु नहीं है। सर उधर है ना, हो रहा है। इसने ट्रैक्टर कब खरीदा? ईंटें लोड करवा दो। मैं मौका हूँ, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम। विद आइसक्रीम। I love the moon, you love stars. With a little less cheese. So tough. You love the shining sun. With different 36. Feel the heavenly hug. Signature blankets. Makes you forget everything else. तो आज चर्चा हो रही है कि सूचना के अधिकार के जरिए जो जानकारी सामने आई है महात्मा बुद्ध की अस्थियों से जुड़ी हुई, उसके बाद आखिर आगे क्या होगा? क्या वाकई आस्था पर सवाल है? और अगर है तो उसका असर कितना देखने को मिलेगा? हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी हैं, पुरातत्व अधिकारी हैं। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सारनाथ से जो जानकारियां एसआई ने दी हैं सूचना के अधिकार के तहत, क्या उससे हम ये समझें कि जो आस्था थी वो डिगने का समय आ गया है, या ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और इस तथ्य को तथ्य की तरह ही लेना चाहिए? जो वहां पर अस्थियों के दर्शन कराए जा रहे हैं वो किसकी हैं? देखिए, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और ऐतिहासिक तथ्य की तरह ही लेना चाहिए, मेरा अपना स्पष्ट विचार है। क्योंकि एएसआई ने जितनी सारी सूचनाएं दी हैं वो समस्त सूचनाएं प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर हैं। इनको इनकार करने के लिए आपको उससे भी प्रामाणिक दस्तावेज की आवश्यकता होगी। अगर इस विषय में विचार करने से पहले हम जरा इसके ऐतिहासिक पक्ष पे जाएं, तो यह बात उभर के सामने आती है कि भगवान बुद्ध का परिनिर्माण जो 487 या 83 ईसा पूर्व में कभी हुआ जी, उनके अस्थि अवशेषों पे 8 राजाओं ने स्तूप के निर्माण किए, जिसमें राजगिरी के अजात शत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुली, रामग्राम के कोली, पावा के मल, लिच्छवी के वैशाली के लिच्छवी और बेट द्वीप के ब्राह्मण तथा कुशनारा के मल जी। इन आठों ने जो 8 महास्तूप बनाए वो भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पे था, जो 8 भागों में बटा। ठीक। उसके बाद सम्राट अशोक जब हुए और उन्होंने उनकी बौद्ध धर्म में रुचि हुई, तो यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है जो साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त होता है। उनकी जो जीवनी एक तरह से मानी जाती है उसमें कि उन्होंने 84,000 स्तूपों के निर्माण करवाए। ठीक। और उन 84,000 स्तूपों के निर्माण के लिए उन्होंने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पर बने हुए उन 8 स्तूपों को का उत्खनन करवा के उसमें से वो मूल अस्थि अवशेष निकलवाए जी। उसमें से 7 का तो उत्खनन वो कर पाए लेकिन 1 का नहीं कर पाए। हाँ। तो वो 7 स्तूपों से जो अस्थि अवशेष प्राप्त हुए उससे कुछ अवशेष उन्होंने वहीं छोड़ दिए, और शेष अवशेष जो उन्होंने निकाला जी उनसे उन्होंने उन 84,000 स्तूपों के। ठीक है, अब ये बताइए कि जो सारनाथ में स्थिति है वो क्या है? ये महात्मा बुद्ध की ही अस्थियां मानी जाए, कहीं और से लाई गई हो, या उनको ये मान लिया जाए कि कुछ और मामला है? नहीं, अभी तक जब तक इसके लिए आपके पास और स्पष्ट प्रमाण नहीं हो जाते, अगर ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पे इस पे अभी भी आप इसको बुद्ध के अस्थि अवशेष ही मान सकते हैं। हाँ। क्योंकि जो बात मैं कर रहा था कि सम्राट अशोक ने जितने स्तूप बनवाए बुद्ध जी के अस्थि अवशेषों को, उन सबको धर्मराज का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
वो चाहे तक्षशिला का धर्मराज का हो, सारनाथ का धर्मराज का हो, वैशाली का धर्मराज का हो, या नागार्जुनी कोंडा का धर्मराज का हो। हाँ। अगर नागार्जुनी कोंडा से प्राप्त अस्थि अवशेष यहाँ आए हुए हैं, हाँ, और सारनाथ में संग्रहित हैं, तो उनको तो बुद्ध के ठीक है। बहुत शुक्रिया सुभाष जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आचार्य जी मेरे पास बहुत कम समय है, मैं आखिर में ये जानना चाहूंगा कि वहां पर अस्थियां हैं नहीं है, ये तो अभी आगे और मामला बढ़ेगा चलेगा, लेकिन जो बातें उन्होंने कही, दरअसल आस्था उस पर होनी चाहिए या अस्थियों पर होनी चाहिए? देखिए, पुरातत्व अधिकारी जी ने जो कहा अपने इतिहास के पन्नों से बताए, इतिहास और विश्वास दो मार्ग है। इतिहास कहा कि ये नहीं है और आस्था है कि है। मेरे ख्याल से जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं वह इतिहास के पन्नों और सूचना अधिकार के तहत को ज्यादा तवज्जो न देकर के अपने भक्ति और श्रद्धा पर ज्यादा ध्यान रखेंगे। और कार्तिक पूर्णिमा में भगवान बुद्ध जब कृतिका नक्षत्र में इतने बड़े प्रादुर्भाव हुआ है, तो उनका किसी देवतुल्य बुद्ध भगवान है, इसलिए कृतिका नक्षत्र में दर्शन करना महापुरुषों का बहुत मंगलमय होता है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है, मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। It's done, sir. I take you to village. Thank you so much. But we have met before. Remember? Coromandel. This I know. Fertilizers? Coromandel is from Murugappa. Yes. You help me? Now I will help. Thank you. Bet we met Murugappa. Cold coffee without ice cream? With ice cream. I love the moon. You love stars. With a little less cheese. So you love the shining sun. What different thought is. Feel the heavenly hug. Signature blankets. Makes you forget everything else. शहर में सुबह सुबह 6-7 औरतें मेरे नाम का टीका लगाती हैं, और ये टीका तेरा भी। हाथ मत लगा मुझे, इस कोटे को आग लगा दूंगा मैं। आज तेरी टीका लगाने वाली है ना, पहचान नहीं पाएंगी अगवाड़ा कहाँ है और पिछवाड़ा कहाँ। ए चलो 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 चलो, आम्रा कोलगेट हेल्दी माउथ शपथ नहीं थी। यंगल कोलगेट हेल्दी माउथ शपथ में डिकनू। हमने भी कोलगेट हेल्दी माउथ शपथ ली है। क्या आपके परिवार ने कोलगेट हेल्दी माउथ शपथ ली है? इस अक्टूबर नवंबर कोलगेट और आइडिया लाए हैं ओरल हेल्थ मंथ, जहां भारत का हर परिवार ले सकता है एक फ्री डेंटल चेकअप। फ्री डेंटल चेकअप के लिए SMS कीजिए अपना पिन कोड या दीजिए एक मिस्ड कॉल 0886268662 पर। तो याद रखना, स्वस्थ मुंह मतलब। लाला जी, आपने गलती से ज्यादा गेहूं तल दिया है। नहीं भूली, गलती से नहीं, ये तो तेरा अधिकार है। जी हाँ, अपने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। अब गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो मिल रहा है। ये देखो, अब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो और अंत्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज हर महीने मिल रहा है। अरे जुग जुग जियो बेटा। अरे दादी माँ, इस आशीर्वाद की असली हकदार तो अपनी उत्तराखंड सरकार है। हर पेट को अन्न मिले, हर चेहरे को मुस्कान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का ऐसा मिला वरदान।